स्थिति बयां करने के लिए बीजेपी ने आज भोपाल में बीजेपी मुख्यालय पर आरोप पत्र जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप पत्र जारी करने के साथ ही कहा कि कांग्रेस के इन 4 महीनों में ही जनता में त्राही त्राही मची हुई है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि कांग्रेस के 4 माह के कार्यकाल में ही हमें आरोप पत्र जारी करना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदसौर में राहुल गांधी ने वचन दिया था कि सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने यदि 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो ना तो मुख्यमंत्री बदले गए हैं और ना ही कर्ज माफ किया गया है। वहीं बीजेपी द्वारा जारी किए गए आरोप पत्र को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा है कि शिवराज सोचना बंद करते हैं, कमलनाथ वहां से सोचना शुरू करते हैं। प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किसी सरकार के बनने के बाद 4 महीने के अंदर ही हमें आरोप पत्र जारी करना पड़ रहा है। कई लुभावने वादे करके कांग्रेस की यह सरकार, जो पूरे बहुमत की सरकार नहीं है, अल्पमत की लंगड़ी सरकार है। अगर आरोप पत्र जारी करना था तो पिछले इनको आरोप पत्र की जगह वो पत्र जारी करना था कि 5 साल पहले मोदी जी ने सरकार में आने से पहले कहा था कि 15 लाख दे देंगे, अच्छे दिन ला देंगे, काला धन लेके आ जाएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे देंगे और यहाँ पे आके पूरे देश के अंदर जो गैस की टंकी बिकती थी 380 में, वो महंगाई डायन कहते थे, तो इसको जाके 200 रुपए कर देंगे, तो ये क्यों नहीं करा वहां। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक और कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सरकार ने खजाना खाली करके कर दिया है, तो वहीं ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि चुनाव में दिग्विजय सिंह के खिलाफ खजाना खोल देंगे और चाबी दिग्विजय सिंह के हाथों में है। शिवराज सिंह चौहान की साध्वी प्रज्ञा को टिकट देने के सवाल पर कहा कि प्रज्ञा ठाकुर केस में बाइज्जत बरी हुई है, इसके पहले कांग्रेस की साजिश की शिकार प्रज्ञा हुई थी, इसलिए दिग्विजय सिंह के खिलाफ प्रज्ञा को मैदान में उतारा है। हमने खजाना खाली छोड़ा। आज मैंने अखबार पढ़ा दिग्विजय सिंह जी के लिए भोपाल का खजाना खोल दूंगा, भोपाल का खजाना दिग्विजय सिंह के पास है, अब खाली है, क्या खाली खजाना दिग्विजय सिंह को सौंपोगे? 5वें चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार थम